जय माता की। दोस्तों, दिव्य दृष्टि ज्योतिष भवन में मैं पंडित माणिक भारद्वाज शास्त्री आप सभी का दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं नवरात्रों में विवाह के उपाय। आप नवरात्रों में ये प्रक्रिया रोज कीजिए। विवाह की बाधा बन रही है या लगन किसी ने बांध दिया है या विवाह के रिश्ते आते हैं देखने जाते हैं लड़का या लड़की पसंद नहीं आती या हाँ ना होती है और पूर्ण बात सफल नहीं होती, तो उसके लिए आप क्या कीजिए। लड़का या लड़की कोई भी इस उपाय को कर सकता है। नवरात्रों में जैसे ही आप अगर अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं दुर्गे माता की या 9 दिन का आप उपवास व्रत रखते हैं, इन दिनों में भी कर सकते हैं, या आप उपवास नहीं कर सकते या उपवास नहीं करते तो सिर्फ ये उपाय कीजिए। आपको करना क्या है नवरात्रों में, एक मीठा पान, एक सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 पान का पत्ता नित्य आपको दुर्गे माता के चरणों में अर्पण करना है और अपने विवाह की मनोकामना करते हुए इस प्रकार चढ़ाना है। आप बिना मंत्र के भी चढ़ा सकते हैं प्रार्थना करते हुए, या साथ में ये मंत्र बोल सकते हैं। ओम शरणागत दीनारत प्रीत्राण प्राणे सर्वशार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तु ते। इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। आज के लिए इतने ही। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कुछ पूछने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय माता दी।